नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह जीएलसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज की नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट सीरीज के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। क्या डिस्कस करने वाले हैं? फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी क्लासेस जो भी चल रही है उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जो कि प्ले स्टोर पर जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी के नाम से अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो देख रहे हैं आप मैप देख रहे होंगे, जो हमारा मध्य प्रदेश का जो फिजिकल डिवीजन है वो इस तरीके से किया गया है। तो दोस्तों, आपको जो दिख रहा है कि ये लगभग ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये किसके अंडर में आता है? हमारे मध्य प्रदेश के, मध्य भारत का पठार। दोस्तों, उससे पहले हम ये बात कर लेते कि जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका जो हमने फिजिकल डिवीजन किया है वो हमने तीन पार्ट्स में किया है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरे की बात करें हम सतपुड़ा मेकाल रीजन, एंड तीसरे की बात करें तो हम बघेलखंड प्लेट्यू, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेट्यू ऑफ ईस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेट्यू ऑफ ईस्ट की बात। तो इन तीन पार्ट्स में हमारे मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन को हमने डिवाइड किया है। वहीं हम बात करते हैं इसके अलावा तो जो हमारा सेंट्रल आइलैंड है उसको भी हमने फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? फाइव पार्ट्स में। तो वो फाइव पार्ट्स कौन कौन से? तो फर्स्ट है हमारा सेंट्रल आइलैंड में प्लेटी ऑफ मध्य भारत, जिसको कौन सा वाला, ये मध्य भारत का जो पठार लिखा हुआ है प्लेटी ऑफ मध्य भारत, ये किसके अंडर में आता है? सेंट्रल आइलैंड के अंडर में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो क्या है, प्लेटी ऑफ बुंदेलखंड, ये भी किसके अंडर में आता है? हमारा सेंट्रल हाईलैंड के अंडर में आता है। कौन सा हमारा? प्लेटी ऑफ बुंदेलखंड। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की, दैट इज नर्मदा सोन वैली। क्या दोस्तों? नर्मदा सोन वैली। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं हमारा, प्लेटी ऑफ रीवा पन्ना। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? प्लेटी ऑफ रीवा पन्ना। और जो हमारा एक और पार्ट लास्ट जो बच रहा है वो है हमारा प्लेटी ऑफ मालवा। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारा वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइड है? तो वो दोस्तों है वो फाइव फिजिकल डिवीजन में डिवाइड है। पहला प्लेटी ऑफ मध्य भारत, दूसरा प्लेटी ऑफ बुंदेलखंड, तीसरा प्लेटी ऑफ नर्मदा सोन वैली, प्लेटी नहीं नर्मदा सोन वैली, फोर्थ पार्ट है हमारा रीवा पन्ना का पठार या फिर प्लेटी ऑफ रीवा पन्ना, और फिफ्थ पार्ट है जो हमारा वो है मालवा प्लेटी या प्लेटी ऑफ मालवा। दोस्तों, ये चीज समझ में है आपकी? तो टोटल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जनरल फिजिकल डिवीजन है वो कितने पार्ट्स में किया गया है? तीन पार्ट्स में किया गया है। और अगर सबको इंक्लूड करके बात करें तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन? तो पांच पार्ट ये, छः और सात। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? सात पार्ट्स में। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मध्य प्रदेश का जो फिजिकल डिवीजन है वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है या फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो मेनली इज इन थ्री पार्ट्स। अगर आप ऑप्शन देख के आपको आंसर लगाना, अगर ऑप्शन में थ्री नहीं है और सेवन दे रखा है या सेवन फाइव फोर एट दे रखा है तो राइट आंसर इज सेवन। और अगर जनरली पूछता है कि मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तीन पार्ट्स में डिवाइड है। और जो सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? फाइव पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आई? चलिए चलिए दोस्तों, देख रहे हैं जैसे कि हमने देखा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है कौन सा हमारा? प्लेटी ऑफ मध्य भारत। तो जो हम मध्य भारत की बात कर रहे हैं तो मध्य भारत जो है हमारा वो क्या है? प्लेटी ऑफ
उसका एरिया कितना है 32896 वर्ग किलोमीटर, कितना दोस्तों 32896 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का कितना परसेंट एरिया कवर करता है 10.68% एरिया कवर करता है। दोस्तों ये चीज इसलिए जरूरी है, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि प्लेटू ऑफ मालवा मध्य प्रदेश का कितना परसेंट एरिया कवर करता है फिजिकल डिवीजन की टर्म्स में। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहां से जो क्वेश्चन बनने वाले, उसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की या फिर प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड की बात करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा किसमें आता है, बुंदेलखंड के प्लेटू में आता है, और ये वाला भी निवाड़ी टिकमगढ़ छतरपुर वाला जो एरिया है ये किसमें आता है, प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड में, जिसका एरिया कितना है 23,733 स्क्वायर किलोमीटर, 23,733 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का कितना परसेंट 7.7% एरिया कवर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं उसके बाद हम रीवा पन्ना के पठार की, मतलब प्लेटू ऑफ रीवा पन्ना, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। दोस्तों इसका जो एरिया है वो कितना है 31,954.8 वर्ग किलोमीटर या फिर 31,954.8 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का कितना परसेंट एरिया कवर करता है 10.37% एरिया कवर करता है। दोस्तों चलिए उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड के सबसे बड़े या फिर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्लेटू की बात करते हैं, तो वो कौन सा है, प्लेटू ऑफ मालवा, कौन सा दोस्तों प्लेटू ऑफ मालवा, जो कि मध्य प्रदेश का कितना परसेंट एरिया कवर करता है 28% एरिया कवर करता है हमारे मध्य प्रदेश का, ये कितना 28%, जिसका क्षेत्रफल क्या है अगर हम बात करते हैं एरिया स्क्वायर किलोमीटर में तो वो है 88,222 वर्ग किलोमीटर, मतलब 88,282 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों क्लियर ये चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं नर्मदा सोन वैली की बात करते हैं हम, तो उसका लगभग बेसिन कितना है, जो नर्मदा सोन वैली है वो कितना एरिया कवर करती है, तो 86,000 कितना दोस्तों 86,000 एरिया 86,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है हमारा कौन सा, नर्मदा सोन वैली पार्ट, जो कि मध्य प्रदेश का 26% एरिया कवर करता है टोटल, कितना 26%। तो अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया कवर करने वाला फिजिकल डिवीजन कौन सा है, तो वो कौन सा है, प्लेटू ऑफ मालवा, जिसका एरिया कितना है 28%। और अगर हम बात करें सेकेंड हाईएस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश तो क्या है दोस्तों, नर्मदा सोन वैली, जिसका एरिया कितना है 86,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड 26% एरिया कवर करता है हमारे मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात करी हमने किसके, सेंट्रल हाईलैंड की बात करी है हमने कि सेंट्रल हाईलैंड के जो पांच पार्ट है और उसमें कितना कितना एरिया है और कितना परसेंट मध्य प्रदेश का वो कवर करते हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट डिवीजन है वो कौन सा था, सतपुड़ा मेकाल पर्वत प्रदेश या फिर सतपुड़ा मेकाल रीजन, ये कितना परसेंट एरिया कवर करता है हमारे मध्य प्रदेश का, दोस्तों 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, कितना 34,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है हमारा सतपुड़ा मेकाल रीजन, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का कितना 11% एरिया कवर करता है परसेंटेज वाइज देखें तो, कितना परसेंट 11% एरिया कवर करता है। वहीं हम बात करते हैं बघेलखंड के पठार की या फिर प्लेटू ऑफ बघेलखंड के बात करते हैं, जो हमारे फिजिकल डिवीजन का कौन सा पार्ट है, थर्ड नंबर का पार्ट है, तो वो कितना परसेंट कवर करता है, लगभग 7% एरिया कवर करता है, जिसका एरिया है 25,000 स्क्वायर किलोमीटर, कितना दोस्तों 25,000 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों अब इन पूरी चीजों में जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं एक बार, क्या क्वेश्चन बनता है, ये पूछ सकता है कि हमारा मध्य प्रदेश कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइड है, दोस्तों कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइड है हमारा मध्य प्रदेश, मेनली बात करते तो 3, और अगर सबको मिला के बात करें तो कितने 7 पार्ट्स में हमारा मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करता है वो कि मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल हाईलैंड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है दोस्तों, तो वो है कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वो पार्ट्स कौन कौन से, प्लेटू ऑफ मालवा, प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड, उसके बाद नर्मदा सोन वैली, ठीक है दोस्तों, उसके बाद मध्य भारत, प्लेटू ऑफ मध्य भारत और प्लेटू ऑफ क्या, नर्मदा सोन वैली हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, और रीवा पन्ना का पठार या फिर प्लेटू ऑफ रीवा पन्ना, ऐसे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए और बाकी दो डिवीजन कौन कौन से, एक सतपुड़ा मेकाल रीजन और थर्ड वाला इज ईस्टर्न प्लेटू ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश या फिर क्या बोलते हैं उसको,
बघेलखंड का पठार या फिर प्लेटी ऑफ बघेलखंड। तो दोस्तों यही बात करते हैं, यहाँ तक आ गए थे अपन कि सेवन पार्ट्स में और सेंट्रल हाईलैंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, फाइव पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्वेश्चन ये बनता है कि इन पूरे फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है हमारा सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन, प्लेटी ऑफ मालवा का, जो हमारे मध्य प्रदेश का कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि परसेंटेज वाइज कितना है, अप्रॉक्स 28% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा कौन सा है, मालवा का प्लेटी। सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो 26% एरिया कवर करता है कौन सा हमारा, नर्मदा सोन वैली वाला रीजन, कितना 26% एरिया कवर करता है। और सबसे छोटे की बात करेंगे हम, सबसे कम कौन सा एरिया कवर करता है फिजिकल डिवीजन मध्य प्रदेश में, तो वो है दोस्तों प्लेटू ऑफ बघेलखंड। कौन सा दोस्तों, प्लेटू ऑफ बघेलखंड करता है कितना परसेंट, अप्रॉक्स 7% एरिया कवर करता है हमारे मध्य प्रदेश के टोटल एरियाज में। और कितना किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में ही आपको। अब हम बात करेंगे इसके बाद इस नेक्स्ट सीरीज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो क्या है हमारे फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जहां पर हम उन क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने यहां पर भी क्लियर कर दी है आपके सामने बहुत सारी चीजें, बाकी हम जो भी डिस्कस करेंगे इसका हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि रहेगा हमारा एमसीक्यू सीरीज का। ओके दोस्तों, थैंक यू, चलो मिलते हैं आगे।